नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सुकू सरकार का बड़ा फैसला, नए खुले 19 सरकारी डिग्री कॉलेजेस को किया बंद। भाजपा सरकार के समय 1 अप्रैल 2022 के बाद खुले 2 संस्कृत कॉलेजेस समेत 19 डिग्री कॉलेजेस को सुक्कू सरकार ने बंद कर दिया। शुक्रवार को शिक्षा सचिव ने कैबिनेट की बैठक के निर्णय के अनुसार बीते वर्ष खोले 24 में से 19 कॉलेजेस को बंद किया। इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अन्य कॉलेजेस में पंजीकृत किया जाएगा, जबकि सेवारत सहायक प्राचार्यों के तबादले किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सहायक प्राचार्यों को उनके मूल कॉलेजेस में भेजा जाएगा। सरकार अब तक 660 से ज्यादा संस्थानों और कार्यालयों को बंद कर चुकी है। हिमाचल में 10 से 50 रुपए तक महंगा हुआ बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रवेश। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहनों का प्रवेश शुल्क 10 से 50 रुपए तक बढ़ गया। सुक्कू सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोल बैरियर्स पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से लिया जाने वाला 24 घंटे का प्रवेश शुल्क अधिसूचित कर दिया। 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में नई दरें लागू होंगी। भारी मालवाहक वाहनों को अब 450 की जगह 500 रुपए चुकाने होंगी। धौलाकुआं हादसे में नया मोड़, 4 युवकों पर दोहरे हत्याकांड का केस। होली के दिन सिरमौर जिले के धौलाकुआं में हुए हादसे ने नया मोड़ ले लिया। ये हादसा नहीं बल्कि दोहरा हत्याकांड निकला। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ माजरा पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ। इस हादसे को लेकर मृतक युवकों के परिजनों ने पहले ही हत्या की आशंका जाहिर कर दी थी। हिमाचल में शराब महंगी, प्रति बोतल अब 7 के बजाय 17 रुपए चुकाना होगा से सदी सूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल से शराब और बियर का नशा महंगा होगा। प्रति बोतल उपभोक्ताओं को 17 रुपए से चुकाना पड़ेगा। राज्य सरकार की राजस्व अर्जित करने की मुहिम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ने लगी है। मां के साथ जा रहे बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, शोर मचाने पर घायल हालत में झाड़ियों में छोड़ भागा। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नीरवा की ग्राम पंचायत झिकनी पुल के शानक गांव में गुरुवार रात 8 बजे मां और अन्य लोगों के साथ घर लौट रहे 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ बच्चे को घायल अवस्था में 7 लगती झाड़ियों में छोड़कर भाग गया। तेंदुए के हमले से बच्चे के सिर और गले में गहरे घाव आए। गांववासी उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल नैरवा ले गए। दलाई लामा बोले, अहंकार हिंसा और घृणा को देता है प्रोत्साहन। यूरोपीय संसद, लिथुआनिया और मेक्सिको के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान अतिथि प्रतिनिधिमंडल को अपने संदेश में दलाई लामा ने मानवता की एकता पर जोर दिया। दलाई लामा ने कहा कि हमें वास्तव में सभी 7 से 8 अरब मनुष्यों की एकता की अवधारणा की आवश्यकता है। हम एक जैसे हैं। तिब्बती समुदाय ने निकाली आक्रोश रैली, चीन के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू धर्मशाला में तिब्बत की आजादी के लिए आवाज बुलंद की गई। सैकड़ों तिब्बती लोगों ने सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ नारेबाजी की। तिब्बतियों ने हनुमानी बाग से ढालपुर चौक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय परिसर, उपायुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल, कॉलेज चौक, लालचंद प्रार्थी कला केंद्र होते हुए परेड मैदान तक रैली निकाली। आठवीं की विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 बार पूछ लिया एक सवाल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से तैयार करवाए गए 8वीं कक्षा के विज्ञान के प्रश्न पत्र में त्रुटि पाई गई। इससे परीक्षा के दौरान अधिकतर विद्यार्थियों को परेशानी हुई। इसमें प्रश्न संख्या 29 में 3 अंक का प्रश्न पूछा गया कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यही सवाल दोबारा प्रश्न संख्या 31 में 4 अंक का दर्शाया गया है। भाजपा प्रभारी बोले, हिमाचल में सुक्कू नहीं बल्कि दुखू सरकार चल रही। भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि हिमाचल में सुक्कू नहीं बल्कि दुखू सरकार चल रही है। असल में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में बंद एक्सप्रेस के सीईओ हैं सुखविंदर सिंह सुक्कू। सुक्कू की सरकार जब से आई है हिमाचल में संस्थान बंद, बंद और केवल बंद का काम चल रहा है। कांग्रेस की सरकार ने बिजली बोर्ड, स्वास्थ्य संस्थान, पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, तहसील, उप तहसील, कानून गो सर्कल, पटवार सर्कल, आईटीआई, श्रम और रोजगार विभाग के कार्यालय बंद कर दिए हैं।
शिमला बटोर एनएच पर व्यक्ति ने फिर चूल्हा जला बनाई चाय, पुलिस से हुई बहस। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के मंगरोट में शिमला बटोर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजन कांत नाम के व्यक्ति ने फिर से खोखा लगा दिया। व्यक्ति ने सड़क पर चूल्हा जलाकर चाय भी बनाना शुरू कर दिया। राजन कांत ने आरोप लगाया कि सड़क उसकी मलकियत भूमि से होकर गई है और प्रशासन भूमि की निशानदेही नहीं कर रहा। प्रशासन ने 5 मार्च को निशानदेही करने को कहा था लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब वो निशानदेही होने तक हर रोज दिन में सड़क पर अपना टायर वाला खोखा लगाएगा। एचपीयू ने पीजी की 2 परीक्षा तिथियों में किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इन दिनों चल रहे स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स की परीक्षाओं में एमए समाजशास्त्र के तीसरे सेमेस्टर की कोर्स कोड नंबर SOCE 304 जेंडर एंड सोसाइटी विषय की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया। पूर्व में 11 मार्च को तय की गई ये परीक्षा 22 मार्च को दोपहर के सत्र में होगी। नौणी विश्वविद्यालय में पानी के सैंपल ठीक, राज्यपाल को सौंपेंगे रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडल ने कहा कि राज्यपाल को नौणी विश्वविद्यालय में पीलिया फैलने के मामले में वहां के पानी के सैंपल की रिपोर्ट दी जाएगी। इस रिपोर्ट में पीलिया फैलने की पुष्टि नहीं हुई है, ये रिपोर्ट उन्होंने खुद देखी है। सरकारी आवास ओकओवर में शिफ्ट हुए मुख्यमंत्री सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी आवास ओकओवर शिमला में शिफ्ट हो गए। 11 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से सुक्खू राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ शिमला में रह रहे थे। जांच में खुलासा, सोलन जिले में निकले 1100 फर्जी राशन कार्ड। सोलन जिले में 1100 लोगों के राशन कार्ड फर्जी निकले। केंद्र सरकार के IMPD पोर्टल पर जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। विभाग ने इन लोगों पर कार्रवाई करते हुए एक जगह से राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया। 10 किलोमीटर पालकी में उठाकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। पैर फिसलकर गिरने से चोटिल हुई बबली पत्नी केवल कृष्ण निवासी भगियार ग्राम पंचायत जटकरी डांकर भड़िया कोठी को 10 किलोमीटर पालकी में उठाकर बारी बारी परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद निजी वाहन के जरिए महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया गया। इग्नू की सत्रांत परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में सत्रांत परीक्षा जून 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके लिए लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। पात्र विद्यार्थी आगामी 5 अप्रैल तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भर सकते हैं। जुलाई 2022 सत्र में विभिन्न UGPG कोर्सेज में पंजीकृत तथा जनवरी 2023 सत्र में सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत UGPG कोर्सेज व 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स में पंजीकृत सभी विद्यार्थी उक्त परीक्षा के लिए पात्र होंगे। रूहानी व शमशानी इलम के माहिर हर समस्या का समाधान 3 घंटे में लिख कर लें। बाबा सरताज खान फोन घुमाए घर बैठे समाधान पाए। A to Z ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे नौकरी कारोबार में परेशानी, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, ग्रह क्लेश, जादू टोना, किया किराया, विदेश यात्रा में रुकावट, कोर्ट कचहरी, लॉटरी नंबर, पति पत्नी में अनबन, प्यार में धोखा खाए प्रेमी प्रेमिका, संपर्क करें 100% पक्का समाधान पाए। स्पेशलिस्ट मुठकर्णी व वशीकरण, देश विदेश में बैठी मेरी माताएं बहने अभी फोन करें। बाबा सरताज खान मोबाइल नंबर 8800124286।